तो भाई आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर को मीडियाटेक हेलियो G90 प्रोसेसर के साथ में। और क्यों कंपेयर करने वाले हैं, तो कंपेयर इसलिए करने वाले हैं कि रियलमी 6 के अंदर हमको देखने को मिल सकता है मीडियाटेक हेलियो G90 और साथ ही में 6 प्रो के अंदर हमको देखने को मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। तो इस वीडियो के अंदर करेंगे भाई हम दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे कौन सा प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है। और भाई वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस वीडियो के अंदर एक स्लाइड के अंदर मैंने हल्की सी मिस्टेक करी है कि कोई चीज मैंने स्लाइड्स पर मेंशन नहीं करी है, लेकिन वो मैंने मुंह से बोल के बताया है। तो अगर आप वो स्पॉट कर लेते हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई इसी बात पे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 720G लॉन्च हुआ था 21 जनवरी 2020 को, वहीं पर मीडियाटेक हेलियो G90 लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2019 को। यानी लॉन्च डेट के हिसाब से स्नैपड्रैगन 720G थोड़ा सा लेटेस्ट प्रोसेसर है। सीपीयू और सीपीयू क्लॉक स्पीड की भाई बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच को फॉलो करते हैं। बात करें हम पहले स्नैपड्रैगन 720G की, तो यहाँ पर आपको दो कोर मिलते हैं क्रायो 465 गोल्ड वाले, जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स A76 सीपीयू पे। क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है यहाँ पर 2.3 गीगाहर्ट्ज की। जो बचे हुए 6 कोर हैं वो आपको मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 465 सिल्वर सीपीयू, जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A55 कोर्स के ऊपर। और भाई वहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.8 गीगाहर्ट्ज की। मीडियाटेक हेलियो G90 की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए जो दो कोर आपको मिलते हैं वहां आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A76 सीपीयू। क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.0 गीगाहर्ट्ज की, जो कि स्नैपड्रैगन 720 के परफॉर्मेंस कोर से थोड़ी सी कम है। बात करें एफिशिएंसी कोर की तो 6 कोर मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, जहां पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A55 सीपीयू। क्लॉक स्पीड आपको यहां पर थोड़ी सी बेटर मिलती है 720 से, यहां पर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है 2.0 गीगाहर्ट्ज की। तो भाई यहां पर जो देखने वाली बात है कि स्नैपड्रैगन 720G में जो आपको एफिशिएंसी कोर में थोड़ी सी कम क्लॉक स्पीड मिल रही है, वो एज अ बेनिफिट भी काम कर सकती है कि यहां पर आपको डेली रूटीन के जो टास्क हैं वहां पर बैटरी एफिशिएंसी आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी 720G के साथ में। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर परफॉर्मेंस कोर्स की अगर बात करें तो 720G बेटर है। एफिशिएंसी कोर की बात करें तो नंबर के हिसाब से G90 के अंदर आपको बेटर एफिशिएंसी कोर मिलते हैं, लेकिन उसको अदर तरीके से देखें तो भाई यहां पर बैटरी एफिशिएंसी आपको बेटर मिलेगी स्नैपड्रैगन 720G में। तो मेरे हिसाब से सीपीयू के मामले में 720G थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो भाई फैब्रिकेशन प्रोसेस का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जब प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं तो उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स लगाए गए हैं उनका साइज क्या रखा गया है। और सेमीकंडक्टर का साइज जितना कम रखा जाएगा प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, उतना ही एनर्जी एफिशिएंट होता है और हीट भी उतना ही कम होता है। यहां पर सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में स्नैपड्रैगन 720G बना है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर, मीडियाटेक हेलियो G90 बना है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। और भाई ये चीज हमको पता है कि मीडियाटेक के प्रोसेसर गर्म होते हैं, हीट होते हैं। यहां पर यह इशू मीडियाटेक हेलियो G90 के साथ भी होगा। स्नैपड्रैगन 720G के अंदर आपको कंपैरेटिवली कम इशू देखने को मिलेगा हीटिंग का और बैटरी एफिशिएंसी आपको बेटर मिलेगी। तो सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में भी स्नैपड्रैगन 720G बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 64-bit के ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। GPU यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जाए, स्नैपड्रैगन 720G के साथ में आपको मिलता है क्वालकॉम एड्रेनो 618 GPU, जिसको क्लॉक किया गया है 825 MHz पे। मीडियाटेक हेलियो G90 के अंदर आपको मिलता है आर्म माली G76 3EEMC4 GPU, जिसको क्लॉक किया गया है 720 MHz पे। अब इन दोनों GPU की अगर बात की जाए ना भाई, तो ये दोनों GPU ऑलमोस्ट एक जैसे GPU हैं। अगर इनके GPU स्कोर्स की बात की जाए तो 618 को मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 97 पॉइंट और G76 वाले जो GPU है उसको मिलते हैं तकरीबन 98 पॉइंट। तो यहाँ पर दोनों ही GPU एक जैसे हैं, लेकिन जो 98 पॉइंट मिले हैं G76 को वो मिले हैं G90T प्रोसेसर के लिए, जहाँ पर आपको 850 के आसपास की 825 के आसपास की आपको क्लॉक स्पीड मिलती है। यहाँ पर G90 के अंदर आपको थोड़ी सी क्लॉक स्पीड कम मिलती है GPU में। तो यहाँ पर GPU के मामले में मैं दोनों प्रोसेसर को बराबर रखूंगा, यहाँ पर दोनों ही के अंदर आपको काफ़ी तगड़े GPU देखने को मिलते हैं।
बात करें रैम सपोर्ट की तो दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिल जाता है। 720G के साथ में आपको मैक्सिमम रैम साइज मिलता है 8GB का और जो रैम फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिल जाती है 1866 MHz की। मीडियाटेक हेलियो G90D के साथ में आपको 10GB तक की रैम देखने को मिल सकती है और भाई 2133 MHz की आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो रैम सपोर्ट के मामले में यहाँ पर मीडियाटेक हेलियो G90 बेटर प्रोसेसर लग रहा है। स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो भाई दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको सेम स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों प्रोसेसर में eMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा सपोर्ट की बात करें Snapdragon 720G के साथ में आपको 22+22 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है 30 FPS पे। सिंगल कैमरा आपको मिल जाता है 36 MP का MFNR और ZSL के सपोर्ट के साथ में 30 FPS पे। 48 MP तक का कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर ZSL का सपोर्ट नहीं मिलेगा, केवल MFNR के सपोर्ट के साथ में 48 MP तक का कैमरा आपको मिल सकता है और जो मैक्सिमम कैमरा साइज़ है वो आपको मिल जाता है 192 MP का। मीडियाटेक हेलियो G90 की बात करें तो यहाँ पर 48 MP तक का सिंगल कैमरा आपको मिल जाता है 30 FPS पे और भाई साथ ही में 64 MP कैमरा का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलता है जो कि मिलता है 22.5 FPS पे। डुअल कैमरा की बात की जाए तो 24+16 MP का डुअल कैमरा का सेटअप आपको यहाँ को मिल जाता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में भाई स्नैपड्रैगन 720G थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें भाई तो दोनों प्रोसेसर के साथ आप अप टू 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोनों प्रोसेसर के साथ में आप अगर 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 2160 pixels पे तो फ्रेम रेट आपको मिलेगा 30 FPS का। अगर आप रिकॉर्ड करते हैं 1080 pixels वाले फुल HD+ वीडियो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पे और 720 pixels यानी HD वीडियो की बात की जाए तो 240 FPS पे आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और इजीली उनको स्लो मोशन वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में भी भाई दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। बात की जाए डिस्प्ले सपोर्ट की, दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको फुल HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है जहां पर रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 1080x2520 pixels का। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में भी दोनों प्रोसेसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। LTE मॉडेम की बात करें तो यहाँ पर Snapdragon 720G के साथ में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon X15 LTE मॉडेम। डाउनलिंक के लिए यहाँ पर आपको Cat 15 मॉडेम मिलता है और डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है 800 Mbps की। अपलिंक के लिए यहाँ पर Cat 13 मॉडेम मिलता है और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps तक की। मीडियाटेक हेलियो G90 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड 4G LTE मॉडेम देखने को मिलता है। डाउनलिंक के लिए Cat 12 मॉडेम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और डाउनलोड स्पीड आपको मिलती है 600 Mbps की। अपलिंक के लिए आपको इस प्रोसेसर में भी Cat 13 मॉडेम देखने को मिलता है और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। तो LTE मॉडेम के मामले में Snapdragon 720G थोड़ा सा बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर डाउनलोड स्पीड मिल जाती है। एंटीटू स्कोर्स की बात करें तो Snapdragon 720G के एंटीटू स्कोर्स तो अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं लेकिन मीडियाटेक हेलियो G90 को मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 222,282 पॉइंट जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट है भाई। एक मिड रेंज प्रोसेसर के लिए काफ़ी तगड़ा स्कोर देखने को मिलता है। Geekbench स्कोर की बात करें मीडियाटेक हेलियो G90 को सिंगल कोर में मिलते हैं 2,408 पॉइंट, मल्टी कोर में मिलते हैं 7,161 पॉइंट। अगेन एक मिड रेंज प्रोसेसर के लिए काफ़ी तगड़े स्कोर मिलते हैं Geekbench की तरफ से भी। Snapdragon 720G के Geekbench स्कोर्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जैसे ही डिक्लेयर होंगे मैं अपने Instagram अकाउंट पर अपडेट कर दूंगा। तो भाई अगर आपने मुझे Instagram पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाकर फॉलो कर लीजिए। तो भाई ये था कंपैरिजन Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर का मीडियाटेक हेलियो G90 प्रोसेसर के साथ में। और बात करें CPU की तो हल्का सा बेटर CPU आपको मिलता है 720G के साथ में। मीडियाटेक हेलियो G90 के अंदर भी काफ़ी तगड़ा CPU मिलता है लेकिन 720G में थोड़ा सा बेटर CPU मिलता है। लेकिन जब बात करें GPU की तो दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको ऑलमोस्ट नेक टू नेक एक जैसा GPU देखने को मिलता है। तो भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फ़ोन में काफ़ी तगड़ी मिल जाएगी। कैमरा वगैरह का जो सपोर्ट है वो आपको बेटर मिल जाता है 720G में, साथ ही में जो LTE मॉडेम है वो भी आपको बेटर मिल जाता है 720G प्रोसेसर के अंदर। तो इस बैटल का जो अल्टीमेट विनर निकल के आता है वो निकल के आता है Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस से नहीं जीता है भाई, यहाँ पर बहुत माइनर डिफरेंस आपको दोनों प्रोसेसर में देखने को मिलता है। तो भाई ये था कंपैरिजन, आपके हिसाब से आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि दोनों में से कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर लगता है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता दो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।